जय हिंद। समझते हैं हम लोग कि चाइना के बॉर्डर के इशू पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया है। दो चार चीज़ें हैं, पहले उसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, जो SCO है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO की जो बैठक हुई थी, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही उसके मेंबर हैं। तो इस SCO की बैठक में जो उसके डिफेंस मिनिस्टर थे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो एडवाइज़र होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उन लोग की बैठक हो रही थी इसमें। अब आप भी सोचते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारी ओर से अजीत डोभाल साहब थे और पाकिस्तान की ओर से ये लोग हैं भाई। इन्होंने क्या किया SCO के नियम के हिसाब से कि आप कोई विवादित चीज़ वहाँ नहीं दे सकते हैं, ये पूरे ग्लोबल चीज़ की बात हो रही थी। लेकिन ये लोग अपना वही पुराना आदत कभी छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर दिखा दिए कि भैया मेरा है, लेकिन अक्साई चीन वाला एरिया नहीं दिखाया, मतलब वो चाइना का है, और गुजरात का ये वाला एरिया दिखा दिए, जूनागढ़ है। जूनागढ़ के बारे में हम आपको कंप्लीट वीडियो बताए थे, बट वो न्यूज़ चैनल वालों ने उस वीडियो को लिया था, तो आप न्यूज़ तक वाले पे वो वीडियो अभी भी है कि जूनागढ़ कैसे वो पाकिस्तान उसको क्लेम करता है, हालांकि वो भारत का है, क्लेम करने से तो हो नहीं जाता है। अब ये भाई साहब इसको क्या किया कि अपने पीछे में इसको दीवार पर लगा दिया। मीटिंग के दौरान जो थी इनके दीवार पे ये नक्शा दिख रहा था। अब ये गलत बात है भाई, आप जानबूझ के उन नक्शे को लाइएगा। इन्हीं सब के वजह से सार्क ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो गया। सार्क जो था उसमें 8 सदस्य होते हैं, नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये इन सार्क देशों का जो संगठन है, इसको तो चौपट कर दिया सब, यही सब मुद्दा उठा के कि हमारा कश्मीर लेकर चौपट किया। यहाँ हमारे अजीत डोभाल साहब जो थे वो बैठे थे, इन्होंने जब इनकी बोलने की बारी आई तो इन्होंने रसिया, चूंकि इसका मेजबानी कर रहा था, ये मीटिंग रसिया में हो रही थी, तो रसिया के मिनिस्टर से बात किया, उनके एडवाइजर से बात किया, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग को लीव करते हैं, हम छोड़ रहे हैं ऐसे नक्शे को, ऐसे विवादित चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं, हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इससे लिए रसिया को डबल टेंशन है। रीजन क्या है कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी रसिया गजब की सिनेरियो से गुजर रहा है। रसिया को क्या है कि पैसे की जरूरत है, इसलिए वो चीन के साथ में रह रहा है, लेकिन वो अपने पुराने साथी भारत को खोना नहीं चाहता, और उसी रसिया देश में ये पाकिस्तान का ये बेवकूफी वाला काम यहां हो गया, तो इसलिए रसिया भी नाराज है। उसने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब रसिया को टेंशन है कि भारत कहीं अगर अमेरिका जापान के फेवर में चला जाता है तो ये रसिया के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले भी क्लास में हम आपको बता दिए थे क्वाड ग्रुप वगैरह के बारे में। तो भाई अभी इंडिया जो है वो पूरी तरह से सोच रहा है कि हम कैसे भी करके बैलेंस लेके चले, और पाकिस्तान जो है पूरी तरह से इसमें SCO को वैसे ही बर्बाद करना चाहता है जिस तरह से उसने सार्क कंट्री को बर्बाद किया था। सार्क का आपकी कोई मतलब भी नहीं रह गया वो देश वालों का। तो यहाँ पे अजीत डोभाल जो यहाँ से हट गए वो काफी बेहतरीन काम किए, हट ही जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, चीन की जो दादागिरी होती है, चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, जब भारत के कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए थे तो PLA ने उन्हें पकड़ लिया था, तो पत्रकार ने पूछा कि कब उन्हें PLA छोड़ेगी, तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश क्या है, हम नहीं जानते अरुणाचल प्रदेश को, दक्षिणी तिब्बत है वो, साउथ तिब्बत है। देखिए, तिब्बत तो खुद इनका है नहीं, तिब्बत को इन लोगों ने खुद कब्जाया है, उसके बाद तिब्बत का वो साउथ तिब्बत कहते हैं। भारत यहीं पे सॉफ्ट नीति अपना देता है, भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं करता है कि तिब्बत कैसा तिब्बत, तिब्बत तो एक स्वतंत्र देश है, ताइवान एक स्वतंत्र देश है, हांगकांग एक स्वतंत्र देश है, तो हम लोग जो थोड़ा सॉफ्ट अपना लेते हैं ना, ये चाइना के मन बढ़ा देता था। अब चाइना को लगता था कि भारत हमेशा से सॉफ्ट नीति अपनाते आया है तो भाई अभी भी अपनाएगा, लेकिन अभी जो है ना नीतियाँ चेंज हो रही है, भारत जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन उतना तो मुंह तोड़ नहीं दे पा रहा है जितना जरूरत है, खास करके ऐसे लोगों को, ऐसे जो भोपू बने हैं सब चाइना के, उनको पता है, वो कह रहे हैं कि चाइना क्या है कि दक्षिणी तिब्बत है। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे पिछले हिसाब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब चाइना जो है वो अरुणाचल, सॉरी लद्दाख के पीछे वाले एरिया में लगभग अपने 20,000 फौजियों को डिप्लॉय कर रहा है। चाइना वहां पहले से सड़कें को बना रखा है, भारत भी इधर से आर्टिलरी फोर्स वगैरह को पहुंचा दिया है, तोप वगैरह सबको पहुंचा दिया है। अब राजनाथ सिंह ने जब संसद में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा कि चाइना उकसावे की नीति कर रहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा गया तो, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था कि इस बार उनको मतलब हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और उधर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन लोग का, सॉरी जो सेना प्रमुख, उनका कहना है कि इस बार चाइना का जो मुकाबला होगा ना वो एकदम समझ जाइए कि हमारी सेना मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है कि तुमसे 1962 का बदला लेंगे। और चाइना को जो लगता है 1962 का वो जंग जीता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स की गलती थी, नेहरू जी जो थे या फिर वहाँ पे बृजनाथ कौल थे या फिर जो वहाँ के रक्षा मंत्री उस समय के थे कृष्णा मेनन, उन लोग की कुछ गलतियाँ थी जिस वजह से ये हारा गया। अगर उस समय एयरफोर्स का प्रयोग हुआ रहता तो 1962 की स्थिति
इस तरह से नहीं रहती जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, एक हम लोग का एक अक्साई चीन का हिस्सा चला गया। इसी को ध्यान में रखते हुए जो वायुसेना है वो अरुणाचल प्रदेश के सॉरी लद्दाख के एरिया में अभी हाल में जितने भी रफाल आए हैं उनको भेज दिया है, सुखोई MiG-29 इन सारे चीज़ों को बैकअप में रखा गया है। और अभी जो वायुसेना प्रमुख है वो उत्तराखंड में भी मिले हैं और उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी वो अभी जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एयरफोर्स के लिए फील्ड बनाया जा सके जहां इमरजेंसी में लैंडिंग की जा सके। इस सब को देखते हुए चीन बौखला गया है और चीन की जो मीडिया है वो तो सरकार जो बोलती है वही छाप देता है। ग्लोबल टाइम्स उसमें क्या लिखा है कि वो डराना चाहता है कि भारत उकसा रहा है, उसे 62 याद रखना चाहिए, 62 नहीं भूलना चाहिए। भैया तू सही बोलता है, हमें 62 नहीं भूलना चाहिए, भूल जाएंगे तो बदला कैसे लेंगे हम, और सही में हम नहीं भूले हैं और ना हम भूलेंगे 62, और हम तुमको भी ऐसा दर्द देंगे कि तुम भी नहीं भूल सकते हो। भारत को भी जो तिब्बत की जो रेबल्स आर्मी है उन्हें भी काफ़ी आगे ले जाना चाहिए, लेकिन भारत के सामने कुछ अलग ही समस्या है। भारत को इकोनॉमी के मायने पर भी देखना, हमारी इकोनॉमी चौपट होती जा रही है। चाइना के साथ प्लस पॉइंट ये कि उसके पास टेक्नोलॉजी और पैसा बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपनी सेना में जो पैसे देते हैं सेना पर खर्च कहाँ होते हैं, वो तो उनकी राशन पर खर्च हो जाता है, सैलरी पर खर्च हो जाता है, जो पेंशन पर खर्च हो जाता है। लगभग आप समझिए सेना पर जितने खर्च होते हैं उसका 70% तो इसी सब पर ख़त्म हो जाता है और हम लोग का बजट भी कम है, तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए निगेटिव पॉइंट हो जाता है। और नेपाल के भाई साहब इनका तो ये नहीं, इन्होंने कसम खा के रखा है कि नेपाल को इतना बर्बाद करेंगे कि नेपाल के लोग याद रखेंगे कि था कोई हमारा प्रधानमंत्री जिन्होंने बर्बाद किया हमें। अब नेपाल और भारत में बहुत अच्छे रिश्ते हैं लेकिन इन्होंने कसम खाया है कि हम चौपट करेंगे। जब से इन्होंने अपना ये लिम्पिया धुरा काला पानी वाला एरिया अपने नक्शे में शामिल किया है उत्तराखंड के इस एरिया में, तो ये क्या कर रहे हैं अभी नया पॉलिसी कि यहाँ के लोगों को या यहाँ की जो मीडिया वो मीडिया के थ्रू या फिर अन्य सोर्सेज के थ्रू यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि आप नेपाल की नागरिक ले लिए, बदले में आपको घर दिया जाएगा, हर सुविधाएं दी जाएंगी इस टाइप की। अब यहाँ के लोग इस नागरिकता को नहीं ले रहे हैं, ये क्या होगा कि अगर यहाँ की नागरिकता ले लेंगे ना तो ये जो होगा वो नेपाल के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि वो कल को दिखा सकता है। अब सपोज कीजिए ना कि अगर यहाँ पे भारत के नागरिक लोग रह रहे हैं और यहाँ उनकी नागरिकता भारत की है तो भारत क्लेम कर सकता है ना, यही चाल पर वहाँ पर नेपाल चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी कदम बढ़ाए हैं ताकि वहाँ पर लोगों को जाया जा सके, जैसे मान लीजिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देना। हालांकि उत्तराखंड का जो साउदर्न पार्ट है निचला भाग वहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई कम है, वहाँ पर अच्छा खासा नैनीताल अमरोहा या फिर वहाँ पर कार्बेट नेशनल पार्क ये सब चीज़ें हैं, बट इसके ऊपर वाले पार्ट में जिधर नेपाल क्लेम कर रहा है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ना ही वहाँ टेलीकॉम अच्छे हैं, जिस वजह से वहाँ जो इंडिया के लोग रहते हैं उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है और वहाँ गाँव ज़्यादा नहीं बसे हैं। गाँव का बसना जरूरी है, रीजन समझिए। आप 1999 देखिए, तासी नाम दयाल नाम का एक व्यक्ति था, हम कारगिल पर पूरा व्यक्ति वीडियो बनाए हुए हैं। तासी नाम दयाल ने ही पहली जानकारी दिया था, वो चराने ले गया था अपनी जानवरों को, देखा कि भाई सब ये तो घुसपैठिए हैं, तो वहाँ था ना तो उसने देख लिया, तो कारगिल इतना भीषण हुआ। सोचिए अगर वो नहीं देखा रहता और हमें जानकारी 2 महीना और लेट से मिलती तब तो और हमारे जवानों को कैजुअल्टी झेलना पड़ता, क्योंकि वो तो अच्छे पोजिशन पर बैठ गए थे, तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। तो एक एक चप्पे चप्पे पर आर्मी थोड़ी रहती है भाई, आर्मी की अपनी पुलिस कैसे रहती है आपके एरिया में, हर गाँव में नहीं ना रहती, उसका एक बेस होता है, उसके अगल बगल में रहते हैं, जो एरिया सेंसिटिव रहता है वहाँ हमेशा निगरानी होती है। अब जैसे देखिए ना गुजरात का ये वाला एरिया उतना सेंसिटिव नहीं है लेकिन यहाँ भी निगरानी होती है, लेकिन कश्मीर का एरिया देख लेंगे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए निगरानी ज़्यादा होती है। तो यहाँ लोगों का भी रहना ज़रूरी है, उत्तराखंड के लोग भी समझदार हैं, उन्हें पता है कि वो कहाँ पर रहना चाहेंगे, कोई भी अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं रह सकता है। लेकिन इन्हें भाई साहब को चुनाव जीतना है, क्या मतलब बनता है भाई देश की रिश्ते खराब हो जाए या नहीं हो जाए। लेकिन भारत के लिए इसी बीच एक बुरी खबर यह है कि कल्याणी ग्रुप और टाटा ने मिलकर एक तोप बना रहे थे, एडवांस आर्टिलरी गन बना रहे थे। ये अच्छा था, हर जगह इसका ट्रायल किया गया था, गर्मी में ठंडी में इसका ट्रायल किया गया था, लेकिन इस बार जो ट्रायल हुआ ना इसमें एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि भाई इसको जब बैरल से यहाँ से फायर किया गया ना तो जो तोप का ये गोला होता है ये बैरल में ही फट गया, जिससे यही ब्लास्ट हो गया, तो इसमें बस विश्वसनीयता में कमी आ रही है। हालांकि ऐसे विद्वान जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि ये दिक्कत जो है ये इस गन में नहीं है, इस आर्टिलरी तोप में नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसके एमुनेशन में हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कई तोपों में एमुनेशन की खराबी की वजह से उसका जो बैरल होता है नोक वो फट जाता है। तो अभी इस पर देखना है कि भाई अभी इस क्या होगा, अब टाटा ग्रुप इसको देखेगी। हालांकि गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि भाई साहब जो ये रेलवे जो निजीकरण किया जा रहा है इससे गरीबों की जॉब जा रही है, उससे बेहतर है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज को निजीकरण कीजिए, प्राइवेट कंपनियां जब डिफेंस में आएंगी ना तो जो हम लोग सरकारी तोप बना रहे हैं धनुष धीरे धीरे रफ्तार में, प्राइवेट वाले कूदेंगे सब ना, तो
आप सोचिए कितना डेवलप होगा। मार BSNL कनेक्टिंग इंडिया, पहले मैच होता था तो ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया भारत, ये सब कहाँ गया BSNL, मारा जियो धो दिया ना, प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं आया। तो ऐसे जगह प्राइवेटाइजेशन कीजिए जहाँ भारत को ज़रूरत है, जो पीछे है वहाँ पर दीजिए। अब रेलवे वगैरह जो है इसमें एक बहुत बड़े लोगों को जॉब मिलता है। अब भाई हम लोग किस में रहते हैं, हम लोग ये लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोग का काम क्या है कि भाई विकास को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है। तो ये इंडस्ट्रीज को प्राइवेटलाइजेशन करने से काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि प्राइवेटों के पास जो कंपनियां हैं उनके पास अच्छे अच्छे इंजीनियर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। अभी देश के अंदर सबसे बड़ी की समस्या क्या चल रही है भाई साहब, कोरोना, हर दिन 1,00,000 भाई साहब, ये तो एक लाख ये बढ़ रहा है। उस पर से लोगों ने इसका डर खत्म हो गया है। हमसे एक आदमी आके कह रहे थे ना कि खान साहब महाराज कोरोना ये सब अफवाह है, हम कह रहे भाई साहब अब आपको कौन समझाए, पूरी दुनिया को चौपट की आपको अभी अफवाहें लग रहा है। तो एक ये समस्या है, और एक GDP हमारी तो भाई साहब इतिहास बना दिया समझ के लिए, -23.9%, अरे गजब GDP गया इतना नीचे। और हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, GDP जा रहा है तो इस पर नीति अच्छा रहना चाहिए भाई, वित्त मंत्रालय में एक सोच समझ के लोगों को देना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि अभी वित्त मंत्रालय कंट्रोल अच्छा से हो रहा है। गवर्नमेंट किसी चीज पे कब सोचती है, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तब, अदरवाइज वो कभी नहीं सोचेगी। गवर्नमेंट ने 2017 की SSC की जो वैकेंसी थी उसके एग्जाम को लेकर लटकाए थे कि कब एग्जाम होगा। NTPC जो 2 साल होने को कगार पे था कभी नहीं निकलता। अगर टीचर्स ने तो केवल आवाज दिया, मेन तो इसको सफल बनाया था स्टूडेंट्स ने, मारा ट्वीट करके भर दिया, तब ना गवर्नमेंट जागी। तो गवर्नमेंट को जगाने वाला कौन है भाई साहब, तो एक तो कोरोना बर्बाद कर रहा है, GDP चौपट हो गई है, हमारा बॉर्डर क्लेश देख रहे हैं, एक और पाकिस्तान कर रहा है, जूनागढ़ मेरा है, कश्मीर मेरा है, नेपाल कर रहा है, कालापानी मेरा है, चीन कर रहा है कि अरुणाचल मेरा है, गलवान मेरा है, तो हम ही लोग एक हनुमान जी का प्रसादी बनल है हिंदुस्तान, जिसको मन नोच के लेके चल जाए वहाँ पे हद है। और ये कौन सुधारेगा, हम लोग सुधारेंगे, हम लोग बोलने लगेंगे GDP पे बोलेंगे तो सोच रहा हम लोग को उल्टे सीधा बोलने लगेगा सब कि तू GDP बहुत बड़का संभालने वाला है, तो कौन बोले, मीडिया का तो फुर्सत नहीं है, बहन जी के पीछे पड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया ने तो चौपट कर दिया, इनको नशेड़ी घोषित कर दिया, कुछ कुछ कर दिया। अरे भाले भाई, जो सहानुभूति थी लोगों की, अब सहानुभूति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए रिया, तो कौन उठाएगा मुद्दा, देश इतना भयानक चीजों से जूझ रहा है, बॉर्डर पे इशू चल रहा है, अभी तो सबसे जरूरी है बॉर्डर इशू को देखना है, क्योंकि ये आपको संभलने का मौका नहीं देगा, चौपट करेगा आपको। हाँ, GDP मानते हैं अभी लड़खड़ाती है, लेकिन अगर अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जनता को ध्यान में रखते हुए तो GDP नहीं गिरेगी। कोरोना से आप लोग को भी सावधान रहने की जरूरत है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर में हो गया, NTPC जो रेलवे का एग्ज़ाम है इसको कैसे क्रैक करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सब पे चर्चा होनी चाहिए। और जो आपका BPSC का भी फॉर्म आया है PCS लेवल पे, इसको किस तरह से आसानी से और हम स्मार्ट स्टडी करके कैसे कर सकते हैं, ये सब के लिए हम आपको कल एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे कैसे इसे निकलना है। और इसके लिए एक स्पेशल बैच अनाउंस करेंगे कल। अब देखिए पॉलिटी का बैच अनाउंस किए थे हमने, उसमें एडमिशन केवल 4 दिन तक रखा था, अब उसमें एडमिशन बंद हो गए हैं, अब उसमें भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब बाकी जो मैप का बैच था या फिर अन्य बैच थे उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि लड़के इतने ज्यादा आ गए थे, इसलिए सर्वर को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। हम आपको घोषणा करेंगे कि कब बैचे जा रहे हैं, आप तैयार रहेंगे, रिजल्ट आपको लेकर आना है, ये रेलवे वाले एग्जाम को इसको छोड़ना नहीं है। और एनफ टाइमिंग है भाई साहब, देखिए आपको मोटा मोटी मान के चलिए तो 3 महीना टाइम है। आप पढ़ाई करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आपको कख गगा से चालू करना है, आप पढ़े हैं बस आपको तरीका पता होना चाहिए। कितना पढ़े ये कभी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो इस सब पे एक विश्लेषण करेंगे हम लोग कल BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलवे वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों के बैचेस के अनाउंस करेंगे। देखिए जो शुरुआत में रहेंगे आप लोग जो एडमिशन लेंगे उनका बहुत कम फी में हो जाता है, पहले भी बोले थे पॉलिटी पहले दिन हुआ था 11 रुपये, दूसरे में हुआ था 99, उसके बाद हो गया 199, फिर बढ़ गया, अब एडमिशन ही बंद हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए आप लोग जो भी कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम है, तो भाई शुरू में आओ ना, कौन मना किया है पैसे का प्रॉब्लम है, तो आप इसको समझिए भाई, जिनको भी पैसे का प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, हम पहले ही आप लोग को अनाउंस कर देते हैं इसलिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।